फ्रेंड्स वेलकम टू देवांशी गार्डन। लाल नीले बैंगनी और सफ़ेद रंगों में पाया जाने वाला मधुर सुगंधित पौधा क्लेमेटिस या गंजई है। यह एक पेरेनियल प्लांट है, एक ऐसा प्लांट जो वास्तव में आपके गार्डन में अपनी सौंदर्य जब बिखेरता है तो मंत्रमुग्ध भी हुए बिना आप रह नहीं सकते हैं। एक कहावत है क्लेमेटिस के ग्रोथ के संदर्भ में, पहले साल यह पौधा सोता है, दूसरे साल जमकर होता है और तीसरे साल मेडिटेशन पर यानी कि बिल्कुल शांत हो जाता है। फ्रेंड्स पौधा इतना सुंदर फ्लावरिंग वाला पौधा है जिसे मैं तो कहूँगी कि हर गार्डनर को अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। ये पॉट में भी अच्छे से चल जाता है, सिर्फ स्कॉर्चिंग वेदर वाले जगह पर इन्हें बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, दोपहर की सीधी धूप इन्हें नुकसान कर जाती है। वैसे तो पौधे धूप में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं लेकिन इनकी जड़ें जो है शेड में रहना प्रेफर करती हैं, इसलिए इन्हें ऐसी जगह पर लगाइए जहां रूट को शेड मिले और वाइन को स्टेम को पूरा धूप। एक बार ये पौधा अगर आपके गार्डन में अपना जगह बना ले तो फिर आप इसकी देखभाल मैंने ज़्यादा देखभाल का इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्लांट अगर मैच्योर है तो वीकली वाटरिंग चलेगा, अगर प्लांट छोटा है तो नॉर्मल वाटरिंग कीजिए, रेगुलर वाटरिंग कीजिए, लेकिन हाँ मिट्टी को सौगी नहीं होने दीजिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ किसी भी प्लांट को सौगी मिट्टी पसंद नहीं है और उसका ड्रेनेज होल सब का अच्छा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हेल्दी प्लांट रहे तो खरीदते समय यह ध्यान रखिएगा कि पौधा जो है कम से कम 2 साल का हो और इसका ग्रोथ जो है अच्छा हो, क्योंकि जब भी फ्लावरिंग होती है तो मैच्योर प्लांट में ही होती है, कम से कम 1-2 साल के बाद ही पौधा जो है फ्लावरिंग करता है। इन्हें स्लाइटली एसिडिक न्यूट्रल या वेल ड्रेन मॉइस्ट सॉइल पसंद है, लेकिन हाँ जबकि ये अल्कलाइन सॉइल में भी ग्रोथ कर जाता है। इसको मिट्टी का उतना कोई खास नहीं होता, आप किसी भी मिट्टी में इसे लगाएं, अगर मैंने मौसम इसे अच्छा मिला तो ये फ्लावरिंग करेगा। फ्लावर भी उतने ही आते हैं भर भर के, लेकिन हर साल में 2 फीट इनकी हाइट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है, 2 फीट तक इनकी हाइट बढ़ती है। इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है और सीडलिंग से पौधा फ्लावरिंग तक आने में कम से कम 2 साल तो लगा ही लेता है। इसका फ्लावरिंग टाइम बसंत ऋतु है, मॉडरेट समर, इस समय इसकी प्रूनिंग भी की जा सकती है। फ्रेंड्स लेकिन प्रूनिंग के समय ध्यान रखिएगा कि हार्ड प्रूनिंग ना करें फ्लावरिंग टाइम में, क्योंकि इसका ग्रोथ मैं बता चुकी हूँ कि बहुत स्लो होता है और जब हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो जब ग्रोथ स्लो होता है तो स्टेम कुछ ही निकलेंगे तो आपको फूल भी कमी मिलेंगे। लेकिन हाँ जो सूखी टहनियाँ हैं, सूखे पत्ते हैं, उनको बस कट करके हटा दीजिए या फिर जब फ्लावरिंग हो गया तो उस शूट को कट कर दीजिए, फिर आपको फूल जो है इसमें आपको 2-3 राउंड माने फूल पूरे सीजन आपको झड़ते रहेंगे फिर खिलते रहेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक बार फूल पूरा भर के खिल गया तो फिर दोबारा नहीं खिलेगा, सीजन जब तक इसको अनुकूल वातावरण मिलेगा ये झड़ता रहेगा और फिर फूल खिलता रहेगा। मेरे यहाँ अभी इसका 3रा राउंड इस सीज़न में ये 3 राउंड खिल चुका है फ्रेंड, और इतना खिलता है कि पूरा प्लांट ढक जाता है बर्फ़ की चादर में, जैसे ढका हुआ हो उस तरह से बर्फ़ की चादर की तरह ये पूरा प्लांट आप देख ही रहे हैं वीडियो में, आपको पता चल रहा होगा पूरा प्लांट एकदम ढक जाता है। और खुशबू तो मत पूछिए, इसका खुशबू इतना मीठा मीठा इतना सुगंधित अच्छा लगता है कि छत पर आइए तो बस हाँ मनमुग्ध हो जाता है। इसके प्लांट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर ये फ्लावरिंग जब अच्छा देता है तो इसको जो है खुराक भी अच्छा चाहिए, इसलिए इसको वीकली जो है फर्टिलाइज़ कीजिए। मैं तो बोन मिल सब प्लांट में देती हूँ, बोन मिल सिमकुची कंपोस्ट सब एक साथ मिला के हर हफ्ते इसमें दे देती हूँ, हर प्लांट में मैं 15 दिन पर देती हूँ, इसको भी कम से कम 10 दिन पर मैं दे दिया करती हूँ। इस प्लांट को आप ट्रेलिस पर चढ़ाइए या हैंगिंग में लगाइए या फिर ग्राउंड कवर के रूप में सजाएं, हर हाल में आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। और मेरे समझ से सबसे अच्छा है कि अगर इसे वालंग या हैंगिंग के रूप में लगाइए या फिर ट्रेलिस पर चढ़ाइए, ट्रेलिस पे ये हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
मेरा तो एक छोटे से पॉट में है, 8-9 इंच का पॉट होगा जिसमें कि ये अच्छा फ्लावरिंग दिया। अब मैं सोचती हूँ कि पिछले साल इसको फिर इसका पॉट चेंज कर लूँगी। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ इस बार ये तीसरी बार फ्लावरिंग किया है। पिछले साल बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं था, मैं बहुत निराश हो गई थी कि मुझे लगा कि मैंने गलत प्लांट ले लिया है। लेकिन इस साल जब इसका फ्लावरिंग मैंने देखा तो मेरा मन एकदम सच में बहुत मुग्ध हो गया। मैं सोचती हूँ कि हर गार्डन में एक प्लांट होना चाहिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर व्हाइट कलर में, पर मेरे पास एक ही इसका वेराइटी है व्हाइट कलर में है, जिसको कि स्वीट ऑटमन क्लेमेटिस के नाम से लोग जानते हैं। और यही एक है, दूसरा तो अभी तक मेरे नर्सरी में मुझे कहीं मिला ही नहीं। अगर मिला तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, आपको भी बताऊंगी। और इसको लगाने के लिए फ्रेंड्स, इसमें बीज बनते हैं, छोटे छोटे चपटे चपटे बीज बनते हैं, उनसे आप लगा सकते हैं। लेकिन बीज का जो है, बीज से पौधा उगाना महीनों आपको लग जाएंगे, तो इतने महीने लगेंगे इसका भी कोई ठीक नहीं है। तो इससे अच्छा है कि कटिंग से लगाएं। अभी तक मेरा कोई कटिंग सक्सेस तो नहीं हुआ है, अगर सक्सेस हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन क्योंकि मैंने भी अभी इसे 2-3 साल पहले ही लगाया था, और ये मेरे यहाँ फर्स्ट ब्लूमिंग हुआ। मैं तो बहुत छोटा पौधा लेके आई थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना लेट ब्लूमिंग करता है, और मैं निराश भी हो गई थी। लेकिन अभी इसका ब्लूमिंग देख करके मेरा मन इस बार बहुत खुश हो गया। इसलिए मैं फिर बुक रिपीट करके बोलूँगी कि आप लोग जब भी पौधा लीजिए, कम से कम 2 साल का ज़रूर लीजिएगा, ताकि ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। नर्सरी से लाने के बाद हम लोग सबको मन करता है कि अरे कब फूल खिले, कब देख। तो इसलिए अगर थोड़ा मैच्योर पौधा लाइएगा तो फ्लावरिंग जल्दी मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में मेरा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी दीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए मैं क्या बोलूँ, आप लोग सब कोई वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं। मुझे मालूम है कि बहुत लोग मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन सब बस देख के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चैनल पे आते नहीं हैं, बहुत लोग चैनल पे आते हैं लेकिन सब लोग देख लेते हैं दोस्त, और बस देख के चढ़ा जाते हैं। लेकिन अगर एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो और आगे अच्छा कुछ करने का मन करता है। नहीं तो क्या होता है, एक निराशा होती है कि इतना मेहनत से आदमी सब कुछ करता है, बनाता है, और उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग जो है थोड़ा सा मेरे चैनल के ग्रोथ में सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जितना होगा हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे प्लांट्स के बारे में आपके साथ शेयर करें, आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दें। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।